जिस मेल मिलाप की आप बात कर रहे हैं उस मेल मिलाप की नीति का उन्होंने सदा से समर्थन किया है। आप उन्हीं की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाइए, इसी में सबका कल्याण है। कौन कृष्ण? देवी देवकी और वसुदेव की आठवीं संतान तो एक कन्या थी। नहीं, वो उनकी आठवीं संतान नहीं थी, वो बाहर से लाई गई थी। वास्तव में उनकी आठवीं संतान एक बालक था जिसे वसुदेव रातों रात नंदगोप के घर छोड़ आया था। ये वही कृष्ण है। ये बात सच है? इस बात का आपके पास क्या प्रमाण है? देवर्षि नारद का वचन। नारद स्वयं ये रहस्य मुझे बताकर गया है। हाँ, और नारद जैसा देवता कभी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ। महाराज कंस, आपने देवी देवताओं को सच मानना कब से शुरू कर दिया? ये जो आपने मुझे एक प्रदेश का राजा घोषित करने की बात कही है, ये उचित नहीं है महाराज। क्यों? मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूं। ये आपकी विनम्रता है अक्रूर जी, अन्यथा आप जैसे राजभक्त के लिए बड़े से बड़ा सम्मान भी कम है। महाराज, आप मुझे राजभक्त कहते हैं तो राजभक्त की व्याख्या भी जानते होंगे कि एक सच्चा राजभक्त उसी को कहते हैं जो अपने जीवन में केवल एक देश और केवल एक राजा का वफादार रहे। और जहां तक मेरा संबंध है, मेरे जीवन में मेरे राजा तो एक ही हैं, महाराज शूरसेन, और जीवन भर वही मेरे स्वामी रहेंगे। यदि महाराज शूरसेन भक्ति मार्ग में खो गए हैं तो उनकी जगह उनके पुत्र कुमार वसुदेव, वो हमारे स्वामी हैं। वो वीर भी हैं और कर्मठ भी, वो धर्म कर्तव्य और राजनीति को पूरी तरह से समझते हैं। जिस मेल मिलाप की आप बात कर रहे हैं उस मेल मिलाप की नीति का उन्होंने सदा से समर्थन किया है। आप उन्हीं की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाइए, इसी में सबका कल्याण है। अवश्य अवश्य हम उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। हमें स्वयं उनसे कोई शत्रुता नहीं, बल्कि हम उनके चरित्र की दृढ़ता का आदर भी करते हैं। परंतु उनके हमारे बीच एक कांटा है, जहरीला कांटा, जो हर घड़ी हर समय हमें चुभता रहता है।